हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अगेन बैक विथ पार्ट टू ऑफ चैप्टर नंबर टेन डिजास्टर अंडरस मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव सीन पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर। इन पार्ट वन ओनली वन टॉपिक वाज लेफ्ट डेट वाज सुनामी। विल कंप्लीट ओनली डॉट टॉपिक इन पार्ट टू। सुनामीज़, ठीक कब डेवलप करती हैं बच्चा जब बहुत बड़े अमाउंट में वाटर डिस्प्लेस हो सी से ओशन से अगर बहुत बड़े अमाउंट में वाटर डिस्प्लेस होगा तो क्या आती है सुनामी अब ऐसा होगा क्यों बच्चा कई बार देखो बेटा जैसे अर्थ जिस पार्ट पे हम रह रहे हैं वहाँ पर अर्थ को एक आते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि सी के अंदर ओशन के अंदर भी अर्थ को एक आते हैं जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर अगर वॉल्केनिकप्शन होता है तो वैसे समुद्र के अंदर या ओशन के अंदर भी हो सकता है ये रहा आपका ओशन ठीक है और ये रहा सी फ्लोर ठीक है अगर यहां पर कोई आएगा तो ये पानी हिलेगा और बाहर की तरफ नहीं आ जाएगा यहाँ पर अगर कोई हुआ तो भी पानी बाहर की तरफ आ जाएगा ठीक है बात वेन एन अंडर सी अर्थक्कर जब बी सी के अंदर अर्थक् होगा तो बहुत बड़े अमाउंट में जो स्ली फ्लोर होगा या तो वो राइज कर जाएगा या सबसाइड कर जाएगा राइज और सबसाइड कैसे कर जाएगा देखो ये सी फ्लोर है आप लोगों ने सी फ्लोर मोटू पतलू में जरूर देखा होगा मोटू पतलू कई बार समुद्र के अंदर जाते हैं तो एक बार ने कई बार वो लोग पानी के बिल्कुल नीचे आके यहाँ यहाँ ठहर जाते हैं यहाँ उनको फिर वो दिखती हैं क्या बोलती हैं जलपरी ऑक्टोपस ट्रीज दिखते हैं ना यहाँ पर तो ये वाले सी फ्लोर की हम बात कर रहे हैं कि यही कई बार राइस कर जाएगा राइस कर जाएगा मतलब ये सी फ्लोर अब ऐसा हो जाएगा कई बार ये सी फ्लोर पूरा डिप्रेशन में आ जाएगा एक तरफ से राइज कर जाएगा तो ये जो स्लीप फ्लोर का जो नया डिज़ाइन बनेगा इसकी वजह से बहुत बड़े अमाउंट में वाटर यहाँ से वहाँ होगा और बड़ी बड़ी वीप्स आने लग जाएंगी है ना सेम वॉल्केनिक एरप्शन में होगा ये जो सुनामी है ये बहुत ही हाई स्पीड में रन करती हैं 500 टू 1000 किलोमीटर पर आर एक घंटे में 500 से हज़ार किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेती हैं इनकी स्पीड कई बार रिड्यूस भी हो जाती है जब ये एंटर करती हैं शैलो कोस्टल वाटर में शैलो कोस्टल वाटर में देखो बेटा कई जगह तुम देखना जब तुम लोग नदी वगैरह में भी नहाने जाते हो तो शुरू करते हैं वहां पर पानी का लेवल या इतना ही होगा फिर धीरे 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 करके पानी का लेवल बढ़ता जाता है और गहराई बढ़ती जाती है तो इस वाटर को हम बोलेंगे शैलो वाटर तो इनकी स्पीड कम हो जाती है जब ये कहाँ पर पहुंचती हैं शैलो वाटर में मतलब जहाँ पर पानी बहुत गहराई में नहीं है पर इसकी वहाँ पर हाइट इंक्रीज हो जाती है जब सुनानी सुनामी वेव्स कोस्ट पर पहुँचती हैं तो इट अपेयर एज अ वॉल ऑफ वाटर तो वो कैसा लगता है कि पानी की एक दीवार चली आ रही है इसकी स्पीड एनर्जी इतनी ट्रमेंडस होती है इतनी ज़्यादा होती है कि ये जो फास्ट मूविंग वेव होती है बहुत तेजी से चलने वाली लहरें ये घर दूसरा स्ट्रक्चर सब बर्बाद कर देती है कोस्टल एरियाज में आप लोगों ने वहाँ गए होंगे ना आप कहाँ गए होंगे hmm, अरे वाटर पार्क्स तो वाटर पार्क्स में हम लोग एक जगह जाते हैं ना जहाँ पर वो लहरों वाला सिस्टम होता है वेव्स वाला सिस्टम क्या बोलते हैं उसको जो भी बोलते होंगे तो कितनी बार वो मशीन जनरेटेड वेव्स आपको ऐसा लगता है कि पीछे की तरफ फेंक रही हैं होता है ऐसे तो अब सोचो सुनामी जो नेचुरल फाइव हंड्रेड थाउजेंड की स्पीड से चली आ रही वो आपको कितना पीछे फेंक देगी आपको होती हैं वहाँ की उनमें तो कोई स्पीड नहीं होती फिर भी वो आपको पीछे की तरफ धकेलती है तो सोचो जो फाइव हंड्रेड वन थाउजेंड किलोमीटर पर आर की स्पीड से आएगा वो आपका क्या हाल करेगा तो ये जो वाटर की बॉल होती है सब कुछ खराब कर देती है लार्ज ऑब्जेक्ट्स जैसे शिप Can be इतने बड़े बड़े शिप को भी वो पीछे कई किलोमीटर तक इनलैंड एरिया में धकेल देती है ठीक है अब सोचो शिप शिप एक स्ट्रक्चर होता है उसके आगे हम क्या स्टैंड कर पाएंगे बिल्कुल नहीं जब वो बाहर फेंक सकती है तो फिर तो बात ही अलग है सुनामी से बहुत लॉस होता है बच्चा लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी बहुत सारी जो डेथ होती है सुनामी इससे ड्यू टू ड्राउनिंग डूबने के कारण ड्राउनिंग का मतलब क्या होता है डूबना बहुत सारी जो डेथ होती है सुनामी में वो डूबने के कारण होती है सुनामी बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट नहीं होती है बच्चा ये कई बार ये मतलब ऐसा नहीं हुआ कि रोज सुनामी आ रही है साल दो साल में एक बार आ जाती है ठीक कोई बार फिर से सुनो ऑल द सुनामी इज आर नॉट फ्रिक्वेंट लेकिन फ्रीकुंट तो नहीं है पर साल में या एक दो साल में कभी भी आ सकती है प्रिकॉशन क्या लेना है सुनामी में अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं अर्थ क्विक दैट लास्ट फॉर अबाउट ट्वेंटी सेकेंड और लॉन्गर अगर आप लोगों ने लैंड एरिया में एक ऐसा अर्थ क्विक एक्सपीरियंस किया जिसका टाइम ट्वेंटी सेकेंड या उससे बड़ा था वैन यू हैपिन टू बी इन कोस्टल कोर्स और आप कहाँ पर हैं कोस्टल एरिया में तो आपको हायर ग्राउंड पर इमिडिएटली पहुँच जाना चाहिए जैसे ही शेकिंग खत्म हो आप हायर ग्राउंड से पहुंच जाओ क्योंकि आप कोस्टल एरिया में हो आपके पास ही सी है तो हो सकता है ये जो अर्थ है ये सी फ्लोर को भी अफेक्ट करे कुछ केसेस में ऐसा होता है जो सी वाटर होता है वो रिसीड कर जाता है अपू एट हंड्रेड मीटर फ्रॉम द कोस्ट कोस्ट से एट हंड्रेड मीटर्स तक तो आपको उस टाइम में ट्रेम्पररी ड्राई एरियाज में रहना चाहिए ठीक है नहीं स्टूडेंट फिर से सुनो ध्यान से गलत है फिर से सुनना कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि एट हंड्रेड मीटर तक तो जो पानी था वो कोस्ट से अंदर चला गया है सपोज़ करो आप यहाँ रहते थे इस एरिया में और सी वाटर यहाँ तक एंटर हो गया था पर अब ये बैग जा चुका है यहाँ तक एट हंड्रेड मीटर तक ये बैग जा चुका है तो आप सोचोगे चलो यार अब हम यहाँ थे हम यहाँ तो पहुँच जाएँ पर ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट्स आपको क्यों क्योंकि कई बार सी वाटर बैग भी आ जाता है आई बात समझ में तो थोड़ा टाइम लो इतना जल्दी मत करो ड्राई एरिया में आने की जहाँ हो वहीं सुरक्षित रहो फिर से देखो कुछ केसेस में जो सी वाटर होता है वो रिसीड कर जाता है 800 मीटर्स तक कोस्ट से वापस चला जाता है आप सोचो अरे वापस चला गया चलो वापस चल देते हैं डू नॉट एंटर पर आपको यहाँ इस टेम्प्ररी ड्राई एरिया में एंटर नहीं होना है क्योंकि कई बार जो सी वाटर होता है वो वापस से भी आ जाता है आई बात समझ में फिर बेटा एक बात जो आपको थोड़ी सी पता ही होनी चाहिए कि आपके जो स्ट्रीट है आपकी जो गली है जहाँ पर आपका घर बना हुआ है वो उसका कोस्ट से डिस्टेंस क्या है कितनी दूरी पर है दूसरी बात वो जो मीन सी लेवल होता है उससे कितनी हाइट पर है वो एरियाज जो जिनकी जो हाइट है जैसे सपोज करो जैसे मीन सी लेवल है और इससे आप यहाँ से कितनी दूरी पर यहाँ रह रहे हैं प्लस जो मीन सी लेवल है उससे आपकी ऊंचाई कितनी है इन दोनों बातों का ध्यान देना पड़ेगा ये डिस्टेंस का भी ध्यान देना है और इस हाइट का भी ध्यान देना है आई बात समझो दोनों चीज़ों को कंसिडर करना है वो एरियाज जो टेन मीटर एब से कम है मतलब ये हाइट अगर आपकी टेन मीटर से कम है तो हो सकता है कि आप सुनामी पुरान एरिया में रह रहे हैं और जो डिस्टेंस है वो लगभग टू किलोमीटर होना चाहिए तो ये बिल्कुल ध्यान रखो कि अगर यहाँ मीन सी लेवल है तो आप इससे दो किलोमीटर दूर हो <laughs> प्लस टेन मीटर की हाइट पर हो ठीक है बात फिर से देखेंगे नो द हाइट ऑफ योर स्ट्रीट अपने स्ट्रीट की हाइट जानो एब सी लेवल सी लेवल से वो कितनी ऊंचाई पर है और कोस्ट से उसका डिस्टेंस कितना है डिस्टेंस कितना होना चाहिए टू हंड्रेड नहीं टू किलोमीटर टू हंड्रेड बोला था क्या नहीं टू किलोमीटर प्लस 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 हाइट कितनी होनी चाहिए मीन सी लेवल से टेन मीटर दोनों में डिफरेंस है ज़रा देखना बेटा हाइट मीटर में दिए है कि सिर्फ टेन मीटर ऊपर होना है आपको प्लस जो डिस्टेंस है वो टू किलोमीटर है आपके पास एक पूरा प्लान रेडी होना चाहिए एवेकेशन का बाहर निकलने का ठीक है जैसे आप लोग ट्रे ट्रेन में इमरजेंसी एग्जिट देखते हो ना वो ना, विंडो जिसमें वो ता, तार नहीं लगे होते हैं जिससे आप इजीली एग्जिट कर सकते हो वैसे ही आपके दिमाग में कोई ना कोई ट्रेन वाला नहीं भाई कोई दिमाग में एक प्लान रेडी रखना कि अगर मैं स्कूल में हुआ तो सुटेबल प्लेस पे कैसे पहुंच जाऊंगा अगर मैं ऑफिस में हुआ तो सुटेबल प्लेस पे कैसे पहुंचूंगा ठीक है और आपको बेसिकली उस एरिया में पहुंचना है जो मीन सी लेवल से थर्टी मीटर एबोव हो ठीक है तीस मीटर एब सो यू हैव टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर एवेक्यूशन रूट फ्रॉम योर हाउस स्कूल और वर्क प्लेस और एक ऐसी जगह ढूंढो जहाँ तीस uh, uh, वो जो तीस मीटर ऊंचाई पर हो सी लेवल से यू शुड बी एबल टू रीच अ सेफ लोकेशन इन फिफ्टीन मिनट और ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा सिर्फ पंद्रह मिनट का ही डिफरेंस होना चाहिए कि आप सेफ लोकेशन पर पहुँच जाओ सुनामी का जो वार्निंग सिस्टम है वो इंस्टॉल करना चाहिए हाई रिस्क जोन्स पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि कोई अगर ऐसा जोन है जहाँ पर फ्रिक्वेंसी में सुनामी है, आती है तो भाई वहाँ पर आप सुनामी वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल कर दें लगा दें अगर आप किसी ऐसे प्लेस को विजिट करें जहाँ हाई रिस्क जोन है तो होटल टूर ऑपरेटर्स उनसे एवोकेशन इंफॉर्मेशन ले लें ठीक है बिल्कुल थोड़ा सोच समझ के ही जाए और बेटा सुनामी की जो इन्फॉर्मेशन चैप्टर में दी गई है वो अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करें जिससे उनकी जो फियर है एंजाइटी है वो थोड़ी सी कम हो जाए सो स्टूडेंट दिस वीडियो हेयर ओनली फ्यू एनी डाउट एनी प्रॉब्लम राइट इन कॉमेंट सेक्शन